सत श्री अकाल, मैं सोम सहोता ते तुसी वेख रहे हो एवन पंजाबी टीवी। एवन पंजाबी टीवी वालों बकायदा तौर पर पाकिस्तान की धरती लाहौर ते बैठे हुए, लाहौर च बैठे हुए साढ़े बहुत ही मकबूल गायक जस्सी लायलपुरिया जी मेरे नाल फोन लाइन ते जुड़े ने। और जे करोना महामारी की गल करिए ते करोना महामारी ने पूरे देश नू और पूरे संसार नू किते ना किते जिहड़ा प्रभावित ओ कीता होया है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरह की है, लाहौर दे विच किस तरह के हालात ने, जस्सी लायलपुरिया जी मैनू फोन ते जानकारी दे रहे ने। सर सब तो पहला सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई साहब जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। जी साढ़े वालों भी फतेह प्रवान करो जस्सी जी। जी जी। और जस्सी जी, जे आप करोना महामारी की गल कर लीए तो लाहौर दिया, लाहौर के बाजारों के और आप जी के इलाके किस तरह का प्रभाव है करोना महामारी का? देखो जी, सब तो पहले तो अभी धनवादी है पाकिस्तान सरकार दे, अपनी सरकार दे कि उन्होंने एस ओ पीज़ नू फॉलो करदिया होया प्रॉपर पाकिस्तान दे विच लॉकडाउन लगा होया वे जी। और अज साडे मुसलमान भी जिहड़े हैगे ने, मुसलमान भाईचारा हैगा, उन्हां दी ईद भी हैगी है जी। ईद तुहानू पता है कि दिहाड़ा हैगा, तो ईद आले दिन जिहड़ा हैगा कि बहुत रौनक मेले हुंदे ने। लेकिन एस ओ पीज़ नू फॉलो करदिया होया साडी सरकार ने ईद भी अपने घरां दे विच ही, मुसलमान भाईचारे नू कहा कि ईद भी अपने घरां च मनाओ। कोई दुकानां नहीं खुल्लियां, कोई बस अड्डे नहीं खुले हैगे, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, प्रॉपर लॉकडाउन है। इस तो सरकार ने कीता वे कि जिस तरह साडा हमसाया देश भारत है, असीं बहुत सत्कार करदे आ, इज्जत करदे आ, रिस्पैक्ट करदे आ। साडे वीर तुसीं सारे तुहाडे सुनण वाले दर्शक कहिंदे आ कि साडी सरकार ने, पाकिस्तान सरकार ने हैल्प भी कीती आ हिंदुस्तान दी, जिहड़े अपना ऑक्सीजन वगैरह दी हैल्प भी कीती आ। और अगों भी जिहड़ियां साडियां वड्डियां वड्डियां एनजीओज हैगियां ने, जिहड़ी ईदी फाउंडेशन है, उन्होंने भी कहा कि असीं मतलब कि ऑक्सीजन देण नूं तैयार आ। इस तों बेहतर है कि साडे पाकिस्तान च भी इस तरह कोरोना महामारी की बहुत ज्यादा जिहड़ी प्रमार हो जाए, इस नूं मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान सरकार ने बड़े सोहणे ढंग दे नाल लॉकडाउन किया होया। और आवाम जिहड़ी पाकिस्तान की हैगी है, उन्होंने भी उत्ते अमल करदिया होया ईद भी अपने घर लोग मना रहे ने। कोई शोर शराबा नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, और बहुत वधिया ढंग दे नाल मतलब कि इत्थे बंदोबस्त किया गया है। जस्सी जी, जे आप जी दे इलाके की गल करिए खास करके लाहौर की, तो लाहौर दे विच और जिस एरिए दे विच जस्सी जी तुसी रह रहे हो उत्थे दे किस तरह, क्योंकि ईद का मौका है जिवें भारत दे विच दिवाली मनाई जाती है उस तरह ही बड़िया खुशियां दे नाल ईद भी मनाई जाती है, लेकिन की लाहौर दे विच भी सारयां लई इही हुक्म है कि ईद नूं अपने घरां विच बैठ के सैलीब्रेट करना? देखो जी, मैं कल्ले लाहौर की नहीं गल कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की गल कर रहा। लाहौर तो लैके कराची और कराची तो लैके पिशौर तक जी टोटल लॉकडाउन हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद हैगी है, लोग अपने घर बंद है ने और खुश ने। पाकिस्तान सरकार जिहड़ी है कोई तशद्दुद नहीं करती, जिदा असीं वीडियोज़ दे विच वेखदे आ कि पुलिस वाले हिंदुस्तान दे विच लोकां नूं मारन कुट्टण दे और लोकी फॉलो नहीं करदे हैगे। साडे पाकिस्तान च इदां दा कोई प्रबंध नहीं हैगा, एस ओ पीज़ नूं फॉलो करदे होए लोकी मास्क दा सैनिटाइजर दा इस्तेमाल करदे हैगे ने। और मेरे वल्लों भी हिंदुस्तान दे जिन्ने भी साडा भाईचारा हैगा उहनां नूं इह बेनती हैगी है कि एस ओ पीज़ नूं फॉलो करदे होए सैनिटाइजर दा इस्तेमाल करो, जिहड़े साबन का इस्तेमाल करो, अपने आप नूं कवर करके रखो, मास्क पाओ और बिल्कुल तुसीं जदों अपने आप नूं कंट्रोल कर लोगे, घरां दे विच बंद कर लोगे तो कुछ भी नहीं हुंदा, सारे मसले हल हो जाणगे। जिंदी जागदी मिसाल साडा पाकिस्तान हैगा जी। क्या बात है जस्सी जी, और तुसीं भी माशाल्लाह बड़े पॉपुलर इंसान हो और खूबसूरत आवाज़ दे मालिक हो, इहदे विच कोई शक नहीं है। लेकिन इन्हां दिनां विच किते ना किते कल्चर प्रोग्राम जिहड़े आ ओह किते भी नज़र नहीं आ रहे, ना हिंदुस्तान च नज़र आ रहे ने ना पाकिस्तान च नज़र आ रहे ने। जस्सी जी देखो जी, मैं पाकिस्तान का पहला सिख होस्ट हैगा वा, टीवी एंकर हाँ और नैशनल टीवी के उत्ते बैठ के मैं 2 घंटे का मॉर्निंग शो करना और एक मेरा प्रोग्राम है पब्लिक सब जानती है। असी पिछे जे एपीसोड करके आए हैं बाजारों के विच करोना महामारी के उत्ते और लोगों नूं असी जिस तरीके का समझाया, लोगों ने साडी गल मन्नी है और उन्होंने कहा कि प्लीज तुसी अपने घरां दे विच बंद रहो। और जिवें साडी सरकार ने लॉकडाउन लाया कि ईद अगरे वड्डे त्यौहार के उत्ते भी साडे पाकिस्तान च लॉकडाउन लगा और लोग अपने घरां दे विच अमन भाईचारा साझीवालता की गल हों पई है, कोई इतने मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब चढ़ती कला। बहुत बहुत मेहरबानी जस्सी जी, तुम लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बने और पाकिस्तान तो तुम गलबात की है पाकिस्तान के लाहौर तो। एक बार फिर दसते हैं कि जस्सी लायलपुरिया जी मेरे नाल फोन लाइन पर दस रहे सन कि लाहौर और पूरे पाकिस्तान के किस तरह करोना महामारी हराने वास्ते पाकिस्तान सरकार ने बहुत व्डे प्रबंध किए हुए हैं।
ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।